हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। दोस्तों, रॉक्स करा दिए थे और सीमेंट करा दिए थे, एग्रीगेट चैप्टर स्टार्ट करे थे। जैसा कि आपको बताया कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड का क्लास चल रहा है और ये क्लासेस जो है वो UPSC असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी अप्लीकेबल है और जितने सारे एग्ज़ाम आपने भरे हैं वो सब में आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एग्रीगेट। IAS जो एग्रीगेट का जो चैप्टर है, जो कोड फॉलो होता है एग्रीगेट में, वो IAS 383/1970 से हम लोग देखते हैं उसका स्पेसिफिकेशन। तो एग्रीगेट जो है वो एक इनर्ट मटेरियल है, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल है तो इसमें उतना कुछ ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए आगे में फाइन एग्रीगेट का क्या स्पेसिफिकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू IAS 383, फाइन एग्रीगेट किसको बोलते हैं, द डिफाइंड एज द एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच विल पास थ्रू 4.75 mm IAS सीव एंड इंटायरली रिटेन्ड ऑन 75 micron सीव। तो उसको कौन सा एग्रीगेट बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। उसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो हो जाएगा सैंड, क्रस्ड स्टोन, एस और सिंडर एंड सुर्खी। ये जो एग्जाम्पल है वो फाइन एग्रीगेट में आएगा आपका। जैसे ये है ना आपका 4.75 mm का ये एग्रीगेट साइज का सीव हो गया और ये नीचे के हो गया 75 micron का। जैसे ही आप एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट डालोगे यहाँ पे तो 4.75 mm पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, 4.75 mm से पास हो जाएगा और 75 micron पे रिटेंड हो जाएगा, तो वो फाइन एग्रीगेट होता है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो कोर्स एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट का क्या स्पेसिफिकेशन है, कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो रिटेन्ड हो जाता है 4.75 mm सीव पे। रिटेन्ड मतलब उसके ऊपर में वो इस जो सीव मतलब क्या हो, चलनी जो होता है उसके नीचे नहीं जाएगा, 4.75 mm सीव के नीचे नहीं जाएगा, उसी के ऊपर रिटेन्ड हो जाएगा। और 80 mm से अगर हम पास कराते हैं उसको तो उस पर वो पास हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। इसमें कौन एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, स्टोन आ जाएगा और बालास्ट आ जाएगा, जो हम लोग रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं, ग्रेवल आ जाएगा, ब्रिक बालास्ट आ जाएगा। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो कोर्स एग्रीगेट का है दोस्तों। तो ये फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, सुर्खी। दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। और भी इसमें बहुत सारे लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं साइमल्टेनियसली, फास्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस चैनल में आपको CIL प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिलेगा विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, और आपको ऑब्जेक्टिव का जो बहुत सारा है जो CIL के लिए हमें स्टार्ट किया वो मिलेगा। ESC ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का मिलेगा आपको, और सॉयल मैकेनिक्स का कुछ लेक्चर मिलेंगे आपको, RCC डिजाइन का लेक्चर मिलेगा, तो ये सारा आप देख सकते हैं। सुर्खी जो होता है वो पाउडर्ड ब्रोकन ब्रिक होता है, लोकली कॉल्ड सुर्खी, यूज्ड एज ए फाइन एग्रीगेट इन ए लाइम मोटर। मतलब लाइम मोटर जब हम लोग बनाते हैं ना तो सुर्खी का यूज करते हैं, जो जला हुआ ब्रिक्स रहता है वॉर्डर टाइप का, वही सुर्खी हो गया आपका। सैंड अगला जो है वो सैंड, सैंड का फंक्शन क्या है, रिड्यूस श्रिंकेज ऑफ मोर्टार एंड कॉन्क्रीट एंड प्रिवेंट्स क्रैक, क्रैक्स को हटाएगा, श्रिंकेज को रिड्यूस करेगा, तो ये सैंड का फंक्शन है। सैंड जो होता है और ये आपका वॉइड्स फिल करने के लिए होता है कंक्रीट में अगर यूज करते हैं। तो अब आइए डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, कहाँ से हम लोग सैंड प्राप्त करते हैं। तो सैंड का जो सोर्स है पहला हो गया पिट्स, मतलब गड्ढा होता है, दूसरा रिवर, तीसरा नंबर सी। तो ये जो तीनों है वो सोर्स ऑफ सैंड है। ये कहाँ पे, अगर पिट्स से अगर निकलता है तो उसको पिट सैंड बोलते हैं, रिवर से निकलता है तो रिवर सैंड, और सी से निकलता है तो सी सैंड बोलते हैं। उसका शेप क्या होगा, पिट सैंड का जनरली जो शेप होता है ना वो एंगुलर शेप का होता है, फॉर मेकिंग मोटर, मोटर बनाने के लिए यूज होता है। रिवर का जो शेप होता है वो राउंडेड शेप का होता है, प्लास्टरिंग के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं रिवर सैंड, और सी सैंड हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट पाया जाता है और वो इफ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। इफ्लोरोसेंस क्या होता है, आप किसी भी सर्फेस के ऊपर अगर मैं देखोगे वाइट वाइट टाइप का पैच जमा हो जाता है, धब्बा टाइप का, वाइट वाइट टाइप का, तो वही आपका इफ्लोरोसेंस हो गया। तो सी सैंड हम लोग इसीलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसमें इफ्लोरोसेंस पाया जाता है। अब जोन ऑफ सैंड का बात करें तो 1, 2, 3, 4 चार टाइप का जोन हो गया, जिसमें मीडियम टाइप अगर जोन बात करें तो 2 जो है वो मीडियम टाइप का सैंड है, 2 जोन 2 सैंड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। जोन 2 जो होता है जनरली अच्छा माना जाता है कंस्ट्रक्शन के यूज के लिए। जो एक स्टैंडर्ड सैंड होता है जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं, वो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, वो तमिलनाडु के इनोर जगह पे हो जाता है, वो जिसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं जैसे मोर्टार टेस्ट करने के लिए, या फिर और भी बहुत सारा जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड सैंड, अब सैंड का एक अच्छा सैंड का क्वालिटी क्या होना चाहिए जिसको हम लोग यूज करते हैं, गुड सैंड शुड हैव कोर्स एंड एंगुलर ग्रेन्स।
तो गुड सैंड जो होता है वो कोर्स एंड एंगुलर ग्रेन साइज का होता है। द साइज द ग्रेन ऑफ सैंड शुड बी हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये आपका ग्रेन हो गया, हार्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल हो गया। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सिल्ट, सिल्ट से फ्री रहेगा। क्ले और साल्ट दैट मे हैम्पर सेटलिंग और अटैक द रिइंफोर्समेंट, तो इससे फ्री रहता है सिल्ट जो होता है। ठीक है, अगला क्या है, इट शुड नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर। ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कोई कंटेंट नहीं करता है, जो अगर गुड सैंड है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया नहीं जाता है। इट शुड बी वेल ग्रेडेड, ये वेल ग्रेडेड होता है। इट शुड नॉट कंटेन एनी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं होता है इसमें। फॉर टेस्टिंग टेंसाइल एंड कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सैंड शुड बी यूज्ड। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम लोग जनरली स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं। शेप ऑफ एग्रीगेट, अब एग्रीगेट का शेप कौन कौन सा क्लासिफाई किया गया है, तो शेप ऑफ एग्रीगेट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट सच दैट कंसिस्टेंसी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, सेग्रीगेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है आपका सब शेप के ऊपर में इफेक्टेड, शेप से इफेक्टेड रहता है, शेप के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे आपका शेप का अगर हम बात करें तो राउंडेड एग्रीगेट एक तो आता है, एंगुलर एग्रीगेट आता है और फाल्की एग्रीगेट होता है। तीन ये तीन टाइप का आपका सैंड सॉरी एग्रीगेट मिलेगा। तो राउंड एग्रीगेट जो होता है, राउंड एग्रीगेट आपका इस तरह का रहेगा तो उसका जो सरफेस है और आपका राउंडेड टाइप का रहेगा और उसमें जो सरफेस एरिया जो है ना वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करता है उस पर अगर हम लोग पेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सरफेस एरिया यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही सरफेस एरिया मिल पाता है सैंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो राउंडेड एग्रीगेट, प्रेजेंस ऑफ राउंडेड एग्रीगेट इन ए कॉन्क्रीट इज इन इट्स वर्केबिलिटी, मतलब इसका जो वर्केबिलिटी है अगर राउंडेड एग्रीगेट करते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। आप ये ध्यान रखना है कि वर्केबिलिटी जो होता है राउंडेड एग्रीगेट से इंक्रीज करता है, जबकि स्ट्रेंथ जो होता है डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इसको मिनिमम सरफेस एरिया मिलता है बॉन्ड बनाने के लिए सीमेंट के साथ फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो इसलिए ये क्या होता है, राउंडेड एग्रीगेट में डिक्रीज स्ट्रेंथ होता है और वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे भी आप इस तरह से भी देख सकते हो, अगर गोल टाइप का अगर सैंड है तो जल्दी मूव हो जाएगा, तो मतलब वर्केबल वो ज़्यादा होगा। राउंडेड एग्रीगेट हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, हेंस सेम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट वुड ऑल्सो बी लुब्रिकेट मोर नंबर ऑफ एग्रीगेट, हेंस मोर वर्केबल। तो यहाँ पे आप समझ गए कि राउंडेड एग्रीगेट का क्या है। अब डेवलपमेंट ऑफ फ्रिक्शन इन ए कॉन्क्रीट इन प्रेजेंस ऑफ राउंडेड एग्रीगेट इज लेस ड्यू टू स्मूथनेस एंड लेजर सर्फेस एरिया, हेंस लेस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि राउंडेड एग्रीगेट का क्या वो हो गया। दूसरा नंबर एंगुलर एग्रीगेट, अब एंगुलर एग्रीगेट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, इट्स प्रेजेंस इन ए कॉन्क्रीट इंक्रीजेज इट्स स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ जो है एंगुलर एग्रीगेट में इंक्रीज कर जाता है अगर ये प्रेजेंट रहता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें बेटर इंटरलॉकिंग होता है, सर्फेस एरिया इज मोर एज कम्पेयर टू राउंडेड एग्रीगेट, सर्फेस एरिया ज़्यादा इसमें कवर होगा। एंगुलर एग्रीगेट है आर मोर रफ ज़्यादा होता है। अब देखिए एंगुलरिटी ऑफ एंगुलर एग्रीगेट इज़, देखिए एंगुलरिटी जो है ना वो एक एंगुलर नंबर से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकालते हैं, द टोटल वॉइड्स प्रेजेंट इन एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ 33%, मतलब 33% से अगर ज़्यादा वॉइड प्रेजेंट है तो उसी को एंगुलर नंबर, उसी से हम लोग निकालते हैं कि एंगुलरिटी इज द टोटल वॉइड इन एक्सेस ऑफ 33% वॉइड इज कॉल्ड एंगुलरिटी नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ परसेंटेज ऑफ वॉइड प्रेजेंट इज 33%, मतलब 33% अगर वॉइड प्रेजेंट है उसमें तो यहाँ पे एंगुलर नंबर जो होगा वो जीरो होगा। अगर वॉइड 44% प्रेजेंट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर 56% दिया हुआ था, एंगुलरिटी नंबर कितना होगा 11 हो जाएगा। 44 के बाद जो 33 ज़्यादा हो गया उसको हम माइनस करेंगे, तो 44 - 33 करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 हो गया आपका एंगुलरिटी नंबर। फाल्की एग्रीगेट का अगर हम बात करें तो फाल्की एग्रीगेट आर दोज एग्रीगेट हुज डायमेंशन इज मच लार्जर देन अदर टू डायमेंशन। फाल्की एग्रीगेट जो होता है जिसका जो डायमेंशन होता है वो लार्जर होता है दूसरा डायरेक्शन में। दिस एग्रीगेट आर नॉट जनरली यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट एज इट्स ड्रास्टिकली डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, वर्केबिलिटी फाल्की एग्रीगेट में क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा वर्केबिलिटी। फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट इज प्रेजेंट बाय ए पैरामीटर नोन एज फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स से हम लोग फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट निकालते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज जो पार्टिकल्स होगा वो लिस्ट उसका परसेंटेज पार्टिकल का जो लिस्ट डायमेंशन होगा वो लेस देन 0.6
मीन डायमेंशन से लेस होना चाहिए, ठीक है। और देखिए रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट हुज स्मॉलेस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 और 6 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन, तो फ्लैकनेस इंडेक्स हो जाएगा आपका। इलोंगेशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल हैविंग देयर लॉन्गेस्ट डायमेंशन इज 1.8 और 9/5 टाइम्स द मीन डायमेंशन, तो वो आपका इलोंगेशन इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं सीव टेस्ट। सीव टेस्ट का क्या है, तो फाइननेस सीव टेस्ट में हम लोग फाइननेस मॉडुलस जो एक टेस्ट होता है उसको हम लोग करते हैं, फाइननेस मॉडुलस, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फाइननेस मॉडुलस जनरली पे देखिए, मान लीजिए कोई ये एग्रीगेट का मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट एक ही साथ मिक्स हुआ, तो उस एग्रीगेट का ओवरऑल एक एवरेज साइज कितना होगा ये निकालना है, उसी से आपको फाइननेस मॉडुलस पता चलेगा, वही फाइननेस मॉडुलस होता है आपका। तो फाइननेस मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, फाइननेस मॉडुलस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ क्यूम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ऑन द सीव ऑफ स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एग्रीगेट या फिर सीव का अगर मतलब कोई जो उसका पार्टिकल्स है उसका शेप अगर अलग अलग दिया हुआ है एक ग्रुप में, तो एवरेज साइज कितना बोलेंगे वो फाइननेस मॉडुलस बताता है। तो स्टैंडर्ड जो साइज है सीव का आपको इस पैटर्न में याद रखना है कि पहला नंबर पे 150 माइक्रोन, दूसरा नंबर पे 300 माइक्रोन, तीसरा नंबर पे 600 माइक्रोन, इसके बाद 1.8 mm, इसके बाद 2.36 mm, इसके बाद 4.75, 10 mm, 20 mm, 40 mm और 80 mm। तो ये सारा जो सीव का साइज है आपको इसी फॉर्म में याद रखना है, इसी सीव का साइज। अगर फाइननेस मॉडुलस जो है वो फाइन एग्रीगेट का वेरी करता है 2 से लेकर 3.5 तक, और कोर्स एग्रीगेट का 5.5 से 8 तक करता है वेरी, ठीक है। अब नोट में देखिए फाइननेस मॉडुलस ऑफ 3 रिप्रेजेंट थर्ड सीव, मतलब 600 माइक्रोन। अगर मान लीजिए फाइननेस मॉडुलस आप निकाले और उस 3 आ गया, तो 3 आ गया मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, मतलब उस जो एग्रीगेट है वो जो पार्टिकल्स है वो सबका जो एवरेज साइज होगा वो 600 माइक्रोन होगा, ठीक है। तो साइज सीव का साइज कितना हो जाएगा आपका 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18 और 600 mm। तो ये जो मेरा सीव का साइज हो गया और वेट रिटेंड यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो परसेंटेज वेट रिटेंड निकालेंगे। परसेंटेज वेट रिटेंड कैसे निकालेंगे, जितना आपका वेट रिटेंड हुआ यहाँ पे उससे डिवाइडेड बाई 150 करेंगे तो ये निकल जाएगा। क्यूम्युलेटिव निकालना है तो ये प्लस ये, फिर इसमें ये प्लस ये हो जाएगा, फिर इस ये कैसे आया, ये प्लस ये हो जाएगा, मतलब 13.33 प्लस मतलब जुड़ते जाएगा एक 6.67 प्लस 16.67, ये जोड़ के 23.34 आया। अब 6.67 प्लस 16.67 प्लस 13.33, ये तीनों जोड़ के 36.67 आया। तो इस तरह से क्यूम्युलेटिव निकालिए तो 653.36 आया। अब फाइननेस मॉडुलस अगर आपको फाइंड करना है तो टोटल ऑफ क्यूम्युलेटिव वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका 653.36 आया तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 6.53 आया। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 7 ले लेते हैं तो 7 नंबर का सीव जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर जो सीव है 10 mm साइज का वो एग्रीगेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप फाइननेस मॉडुलस फाइंड कर सकते हो, इसी तरह से फाइनेंस मॉडल्स। अगर सैंड में बात करें फाइन सेंड का, तो फाइन सेंड का जो फाइनेंस मॉडल्स होता है वो 2.2 से 2.6 होता है। जैसे कि हम अभी बताया ना कि सैंड का सिर्फ जो फाइनेंस मॉडल्स होता है फाइन एग्रीगेट का वो कितना होता है 2.2 से लेकर 3.5 तक होता है। तो यही यहाँ पे सैंड के लिए बोला है, तो फाइन सेंड के लिए 2.2 से 2.6, मीडियम सेंड के लिए 2.6 से 2.9, और आपका कोर सेंड के लिए जो फाइनेंस मॉडल्स होगा वो 2.9 से 3.2 तक होगा। तो ये फाइनेंस मॉडल्स हो गया। अब एक रेशियो आता है एग्जाम में, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बराबर पूछता है कि अगर पी, अगर यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि पी बी द डिजाइंड फाइनेंस मॉडुलस फॉर ए कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। पी जो है एक डिजाइंड फाइनेंस मॉडुलस हो गया दोनों एग्रीगेट के लिए मिक्स जो है, और आप आर आपको कोई प्रपोर्सन निकालना है, प्रपोर्सन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कम्बाइंड एग्रीगेट बाई वेट। तो क्या करते हैं इसमें पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी माइनस पी वन इंटू 100 करते हैं, जहाँ पे पी वन जो है वो फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट है और आपका पी टू जो है वो फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट है। तो ये फार्मूला से आप रेशियो निकाल सकते हैं, प्रपोर्शन निकाल सकते हैं फाइन एग्रीगेट टू द कम्बाइंड एग्रीगेट बाई वेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें टेस्ट ऑन एग्रीगेट, कौन कौन सा टेस्ट होता है एग्रीगेट के ऊपर में, तो टेस्ट में आपका पहला जो टेस्ट हो गया एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हो गया, दूसरा जो हो गया एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट हो गया, तीसरा साउंडनेस टेस्ट हो गया, और चौथा जो है नंबर हो गया एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट होता है। तो ये चार टाइप का टेस्ट होता है एग्रीगेट के अंदर में,
तो अब ये पूरा प्रोसीजर इसका जानना जरूरी है, जो स्पेसिफिकेशन है वो जानना यहाँ पे जरूर है, उसको हम भी बता रहे हैं। सिर्फ आप टेस्ट का नाम याद रखो कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट एग्रीगेट के लिए यूज होता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है और इम्पैक्ट टेस्ट होता है। तो ये सारा जो है टेस्ट एग्रीगेट के ऊपर में होता है। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको CIL प्रीवियस ईयर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है गुड कोर्स एग्रीगेट का 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड कोर्स एग्रीगेट इज अबाउट 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर कॉन्क्रीट यूज फॉर रोड एंड पेवमेंट के लिए। जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, इम्पैक्ट वैल्यू का नहीं बात कर रहे हैं, एग्रीगेट क्रशिंग जो वैल्यू है उसका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर अदर स्ट्रक्चर वर्क के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रोड और पेमेंट के लिए जो AIB वैल्यू है एग्रीगेट इम्पैक्ट जो वैल्यू है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल वर्क के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए सैंड। जैसे यहाँ पे अगर सैंड रखा हुआ है, अगर इसमें मॉइस्चर मिक्स कर देते हैं तो इसके एक सैंड पार्टिकल्स के ऊपर में एक सरफेस फिल्म जमा हो जाता है। जैसे अगर बात करें यही पार्टिकल्स का, तो इसके ऊपर में क्या होगा, मॉइस्चर का एक सरफेस फिल्म जमा हो जाएगा जो उसके वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस यही होता है बल्किंग ऑफ सैंड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, करेक्शन कुछ अप्लाई करते हैं। जैसे 1:2:4 का आप अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें सैंड की जगह पे आप अगर वेट लेते हैं तो वेट सैंड का एक्चुअल कम होगा, उसमें जो मॉइस्चर मिल गया है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सैंड बढ़ा के लेना होगा। अगर 2 ले रहे हैं तो मान लीजिए 2.6 लेना होगा, 2.8 अभी कैसे लेना होगा वो निकालेंगे। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है बल्किंग ऑफ सैंड में, इसलिए हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड पढ़ते भी हैं इसी पर्पज से कि जो सैंड मेरा जो वेट ज़्यादा दिखा रहा है तो वेट एक्चुअल हमको ड्राई सैंड में कितना चाहिए होगा वो चीज़ होगा। फिर उसके बाद हम लोग वाटर करेक्शन भी करते हैं कि वाटर का क्वांटिटी कितना कम करना होगा अगर हम लोग सैंड में अगर वाटर वो मिक्स हो गया है। तो वही होता है बल्किंग ऑफ सैंड और एग्रीगेट। तो जनरली जो होता है वो कोर्स एग्रीगेट में बहुत कम होता है, कोर्स टाइप के मटेरियल में बल्किंग कम होता है, ज़्यादा फाइन सैंड में होता है। तो बल्किंग इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ए थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर फॉर्म अराउंड द फाइन एग्रीगेट एंड एग्जर्ट सर्फेस टेंशन। वो सर्फेस टेंशन एग्जर्ट करेगा, दिस मॉइस्चर इज कॉल्ड एडहर्ड मॉइस्चर, इसको एडहर्ड मॉइस्चर भी बोलते हैं। दिस कीप्स द पार्टिकल टू रिपेल अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दस एग्रीगेट बल्क इन ए वॉल्यूम। वो क्या करेगा, जो इसके ऊपर में सर्फेस फिल्म लग जाएगा वो पार्टिकल्स को अलग रिपेल करेगा, मतलब दूर दूर भगाएगा, तो इसे वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो निगलेजिबल इन केस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे आपको पता है कि कोर्स एग्रीगेट में बहुत कम पाया जाता है। बल्किंग इंक्रीजेज विथ फाइननेस ऑफ एग्रीगेट, फाइननेस अगर बढ़ेगा तो बल्किंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन ऑर्डिनरी सैंड है सैंड बल्किंग वेरीज फ्रॉम 20-40% फॉर इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट 5-8%। तो अगर 5-8% अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं तो उसका जो बल्किंग होगा 20% से 40% बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है बल्किंग ऑफ सैंड का। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें फाइन सैंड सबसे ज़्यादा बल्क हो रहा है, इसके मतलब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है फाइन सैंड में, इसके बाद को मीडियम में, इसके बाद कोर्स में, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। फॉर कोर्स सैंड एट मॉइस्चर कंटेंट 4-6% वॉल्यूम चेंज इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दिस इफ मॉइस्चर कंटेंट इज इंक्रीज देन फिल्म। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हम एक मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है एक निश्चित वैल्यू पर ही वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसके बाद अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वो जो होता है वो फॉर कोर सैंड एंड वो कौन सा मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो 4-6% होता है। ठीक है, तो 4-6% पे वो बढ़ेगा। अगर आप 4-6% से ज़्यादा कर देते हो तो क्या होगा, जो भी फिल्म बना रहता है इसके ऊपर में वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा, वो फिल्म टूट जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। अब नोट क्या दिया हुआ है, नोट में आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ, इफ़ बल्किंग ऑफ सैंड इज 20%, अगर बल्किंग ऑफ सैंड क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है या फिर आपको पता है कि बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो 20% है, अगर मिक्स रेशियो 1:2:4 है तो ये मिक्स रेशियो किस में चेंज होगा अगर बल्किंग 20% हो रहा है, तो आपको पता है कि इंस्टेड ऑफ 2% वॉल्यूम हम लोग क्या वो 2% है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1.2 हो जाएगा। वॉल्यूम एक था, अगर 20% बढ़ गया तो 1.2 हो गया, मतलब अभी वॉल्यूम शुरू में 1 MQ था, मान लीजिए बढ़ गया तो 1.2 हो गया, तो 1/1.2 MQ में कितना पार्ट आपका सैंड है, 2 पार्ट सैंड है, तो 1.667 होगा।
अब देखिए, इफ टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ बल्किंग वॉल्यूम ऑफ सैंड यूज्ड इन द मिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो टू वॉल्यूम आप अगर 1:2:4 करेगा तो आपका जो टू पार्ट है वो 1.667 पार्ट ही डला रहा है, क्योंकि बाकी तो वाटर कवर कर रहा है, जो सैंड का एक्चुअल पार्ट है वो 1.667 डला रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिक्स का रेशियो है जो यहाँ पे 1.2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2.4:4 करेंगे तो मेरा जो वॉल्यूम है वो 2 का मिलेगा। अब देखिए, फाइन सैंड शोज मैक्सिमम बल्किंग 4-6% पे जो है फाइन सैंड मैक्सिमम बल्किंग होगा, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लेकिन कोर सैंड का बात करें तो कोर सैंड जो है वो 8% पे मैक्सिमम 8% मॉइस्चर पे मैक्सिमम वो बल्किंग होता है। रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स ग्रेड कितना होगा, 7 होगा फाइनेंस मॉडल्स। अगर 3.2 से अगर ज़्यादा होता है सैंड विथ फाइनेंस मॉडल्स, 3.2 से अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे। और ग्रेडेशन का अगर बात करें हम तो यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द शेप ऑफ एग्रीगेट कॉल्ड ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन आपका हो गया एग्रीगेट का। फूलर्स ग्रेडिंग कर्व जनरली हम लोग यूज करते हैं निकालने के लिए एग्रीगेट का ग्रेडेशन। तो यहाँ पे लगभग आपका एग्रीगेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को जितना हो सके दोस्तों प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अगर आप चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।